नमस्कार, संगीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई चिकन। आप देख सकते हैं, ये चिकन को मैंने मैरिनेट किया है दही और लहसुन अदरक के पेस्ट में, थोड़ा सा नमक डाल के। तो चलिए सारे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये व्हाइट चिकन बनके होगा तैयार, एकदम लाजवाब और शाही। तो देखिए, इसके लिए मैंने ली है ये मलाई, फ्रेश घर की निकली हुई मलाई है। साथ में है भीगे हुए बादाम, भीगे हुए काजू, नमक और ये मेरा होममेड चिकन मसाला है, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया, टमाटर और ये है व्हाइट गार्लिक, लहसुन, हरी मिर्च और ये है थोड़ा सा मिल्क। तो हम इससे अपनी हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे और ये है शुद्ध देसी घी। तो चलिए, क्योंकि ये इसका नाम शाही है तो प्रोसेस शुरू करते हैं। तो लगभग 5 से 6 घंटे मैंने मैरिनेट किया था चिकन और ये मैंने डाल दिया इसके अंदर घी। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनके होने वाला है ये तैयार। मैंने डाल दी इसके अंदर प्याज और साथ में डाल रही हूँ कटा हुआ लहसुन। इसको प्याज को हमें कलर नहीं करना, सॉटे करेंगे टू अ लाइट ब्राउन, लेकिन डार्क ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि फिर चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। तो बस इसको अभी मैं भून रही हूँ, साथ में मैं डाल देती हूँ ग्रीन चिलीज, क्योंकि लाल मिर्च का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो वी विल स्टर इट वेल, इसको बहुत अच्छे से हम स्टर करेंगे और जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक हम बना लेंगे ये काजू, भीगे हुए काजू और बादाम का पेस्ट। तो मैं इसको ग्राइंडर में पीस के आपसे मिलती हूँ। तो ये प्याज हमारी ट्रांसल्यूसेंट सी हो गई, अब हम डालेंगे इसके अंदर ये मैरिनेटेड चिकन। इसके अंदर 1/2 किलो करीब ये चिकन है और 250 ग्राम मैंने इसमें दही डाला है और 2 इंच की अदरक और 10 लहसुन के क्लोव्स। अब हमें इसको धीरे हाथ से फ्राई करना है। धीरे धीरे ये अपना पानी छोड़ेगा। नमक इसमें थोड़ा डला हुआ है, थोड़ा नमक मैं अब डालूंगी इसके अंदर। ये देखिए, और साथ में जाएगी इसमें ये ब्लैक पेपर। ग्रीन हमने हरी मिर्च डाल दी, तो स्वाद अनुसार आपकी फैमिली को कैसा टेस्ट पसंद है वो आप देखिए। तो चलिए थोड़ी इसकी भुनाई करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए, ये चिकन सारी खुशबू और सारा फ्लेवर ले लेगा, लहसुन अदरक प्याज सब कुछ इसके अंदर आ गया। और इसमें मैं डालूंगी ये काजू बादाम का पेस्ट। आप देख सकते हैं कि ये मलाई चिकन है तो कितना बढ़िया ये बनके होगा तैयार। और जब भी आप इस तरह से इसको डालें तो आपको बीच बीच में इसको चलाना पड़ेगा। तो इसको गलाने के लिए हम क्या करेंगे, चिकन का पानी तो है ही, साथ में मैंने डाल दिया थोड़ा सा ये दूध। बस अब इसको हम लिड लगा देंगे। इसमें थोड़ा सा अच्छा टेस्ट करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर भी डालूंगी, बाकी टमाटर हम गार्निशिंग के टाइम पे यूज करेंगे। हरा धनिया भी हम गार्निशिंग में यूज करेंगे और 1 कप मलाई। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हो गए बढ़िया।
अब हमें क्या करना है, इसको ढकना है और धीमी आंच पे इसको रखना है। लेकिन याद रखिए, क्योंकि आपने इसमें बादाम और काजू डाले हैं, तो आपको बीच बीच में इसको खोल के चलाना होगा। तो लगभग 15 मिनट ये प्रोसेस चलेगा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। तो हम देखते हैं, अगर आप लेग का पीस देखें, ये गलने शुरू हो गया है, टेंडर हो गए हैं पीसेस। और कहीं भी ना दूध फटा ना कुछ और प्रॉब्लम हुई, तो बढ़िया आपकी व्हाइट ग्रेवी है तैयार। याद रखिए, अभी हमने इसमें मलाई ऐड नहीं करी है, लेकिन ये चिकन टेंडर हो चुका है। तो मैं 5 मिनट और रखूंगी इसको, और उसके बाद हम करेंगे इसके अंदर फाइनल प्लेटिंग। तो देखिए, ये बिल्कुल हो गया तैयार। और इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी ये रेडीमेड थोड़ा सा चिकन मसाला। मलाई चिकन है, रॉयल है, बढ़िया बनके होगा तैयार इसका ये फ्लेवर। लास्ट में डालते हैं ताकि बहुत ज़्यादा कलर चेंज ना हो। चिकन हमारा लगभग गल चुका है, अगर आप इस पीस को देखें ये ऑलमोस्ट डन है। और इस समय पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ी सी ये घर की मलाई, और बाकी मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। आप जितने भी रिच कंटेंट इसमें डालेंगे उतनी रॉयल बनके तैयार होगी ये हमारी चिकन की डिश। ये देखिए, मुंह में पानी आ रहा होगा, बहुत ही लाजवाब इसमें खुशबू आ रही है। और ये बिल्कुल बढ़िया बनके हो गया तैयार। तो मैं 5 मिनट के लिए इसको और ढकने जा रही हूँ ताकि सारे फ्लेवर इसके अंदर रह जाएं, और फिर हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो देखिए, अब चिकन हो गया तैयार। मैं इसको कर रही हूँ बंद, और बस अब तो जैसे रुका ही नहीं जा रहा, लाजवाब तैयार हुआ। तो मैं एक लैडल की मदद से इसकी प्लेटिंग करूँगी। वाओ, बहुत ही शानदार मलाई चिकन हो गया तैयार। ये देखिए, लेग का एक और पीस है जो मैं इस तरह से रखना चाहती हूँ जी। और ये देखिए, रेडी टू सर्व इन अ ब्यूटीफुल प्लेट। और इसमें मैं थोड़ी सी गार्निशिंग करूंगी विद सम टोमेटोस हियर, जस्ट टू गिव इट अ कलर। और साथ में मैं डालूंगी थोड़ी सी धनिया पत्ती, अच्छे इस प्रकार से। और लास्ट में मलाई, इंडिकेटिव ऑफ द डिश, मैंने थोड़ी सी थिक मलाई रखी है। ये देखिए, है ना लाजवाब। तो हो गया ये आपका मलाई चिकन तैयार। इसको आप रुमाली रोटी से खाइए, पराठे से खाइए, तंदूरी रोटी से खाइए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम द संगीतास किचन टुडे। थैंक्स व्यूअर्स फॉर लाइकिंग माई रेसिपीज़।